हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल एजी इन्वेस्टमेंट में। मैं हूं अशोक कुमार और आज आपके लिए ये खास आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आप एम्प्लॉई हैं और आप ये कहते हैं कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है क्योंकि कंपनी ने दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। सो आपकी कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है, लेकिन वो कितने लाख का है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने एम्प्लॉयर से, या अगर आपको पता है तो देखिए, हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख मैक्सिमम ग्रेड वाइज आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो क्या 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख ये आपके आज के टाइम के अकॉर्डिंग सही है, ये आपको सोचना है। अगर आपको लगता है कि हाँ इतना सही है, सफिशियंट है, देन इट्स ओके। बट मैं कहूँगा ये सही नहीं है, क्योंकि आज किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो आपको 2 लाख, 3 लाख में कुछ भी नहीं होना है। तो इसके लिए अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है तो आप उसमें टॉप अप कीजिए। प्लान जिसको बोलते हैं, अगर हम स्टार की बात करें तो उसमें प्लान आता है सुपर सरप्लस। कई सारे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्लान है जिसको टॉपअप प्लान बोलते हैं, और ये टॉपअप प्लान खासकर अगर आप एम्प्लॉई हैं तो सबसे बढ़िया है, और इसमें आपको बहुत बेनिफिट है और इसके प्रीमियम बहुत ही कम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीमियम कितना कम होता है और क्या बेनिफिट्स होता है इस टॉपअप प्लान से और क्या फ़ायदे होते हैं। दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि चलो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है जो कंपनी ने दिया हुआ है, तो ये कब तक चलेगा आपके, जब तक आप जॉब पर हैं, या 60 इयर्स, उसके बाद क्या होगा, फिर आपका प्लान ख़त्म, फिर आपको कौन प्लान देगा? उस समय आपको कोई प्लान नहीं देगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पास बीमारी आ जाएगा उस ओल्ड एज में। सो उस समय के लिए भी, उस समय को सोचते हुए भी आपको अपना पर्सनल प्लान लेना चाहिए। तो उस केस में आपको ये सुपर टॉपअप या सुपर सरप्लस प्लान बहुत अच्छा रहेगा। उसको आप अपने प्लान के साथ, अपने ऑफिशियल प्लान के साथ ऐड ऑन कर लीजिए, आज से ऐड ऑन कर लीजिए। इसमें आपके कई सारे बेनिफिट्स होंगे। पहला आपको टैक्स बेनिफिट भी हो जाएगा, और दूसरा आपके लिए सफिशियंट भी हो जाएगा। ताकि अब जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 2 लाख, 3 लाख के प्लान्स आपके ऑफिस ने दिया हुआ है, और आप सोचते हैं कि मुझे कुछ टॉपअप हो या सरप्लस प्लान हो जो 10 लाख तक का कवर करे, या 15 लाख कवर करे, या 25 लाख तक का कवर करे, तो उसके प्रीमियम बहुत ही सस्ते होते हैं, जो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। और वो जो आप प्लान लेंगे उस पैसे का जो प्रीमियम होगा आपके टैक्स बेनिफिट में भी काउंट होगा। जैसे ATD आपका सेगमेंट ऑलमोस्ट खाली रहता है एज अ एम्प्लॉयर, जब आपके पास हेल्थ पॉलिसी होता है, तो उस पॉलिसी में आपका ये सुपर सरप्लस प्लान भी आपको सपोर्ट करेगा और आपके रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। सो दोस्तों, मैं प्लान के बारे में इससे पहले मैंने दूसरे वीडियो पे बहुत सारी जानकारी दी है, जो स्टार के प्लान है या अलग रेलीगेयर के प्लान है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, वो प्लान के बारे में ज़्यादा डिस्कस जानना है, तो आप उस वीडियो पर जाकर देखिए। मैंने लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पहले भी स्टार हेल्थ प्लान के बारे में या कंपैरिजन ऑफ रेलीगेयर और स्टार हेल्थ दिए हुए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स है और क्या बेनिफिट्स है। आज मेरा जो मेन सब्जेक्ट था आपके लिए, सुपर सरप्लस, यानी जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, जो आपके ऑफिस का इंश्योरेंस है, उसमें एक सरप्लस कैसे करें और आपको एक सेफ्टी कैसे दे सकते हैं उस पर। तो मैं सबसे पहले इसके एक क्लेम इलस्ट्रेशन पे आपकी बात करता हूँ, कि मान लीजिए आपके ऑफिस ने, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके ऑफिस ने 3 लाख रुपए तक का प्लान दिया हुआ है। चलो 3 लाख रुपए तक का कोई भी एक्सपेंस आएगा तो मैं कवर करूँगा, ओके। सो कंपनी यहाँ पर कहती है कि अगर आप 3 लाख रुपए तक का आपका ऑफिस प्लान देता है, तो मैं आपको एक 10 लाख रुपये का आप उस पर टॉपअप ले लीजिए। इसमें आपके पास ऑप्शन है, 5 लाख भी ले सकते हैं, 7 लाख भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 15, 20 और 25 भी ले सकते हैं, जो हम आगे इसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 लाख रुपए कंपनी ने दे रखा है, और आपको या आपकी फैमिली को क्लेम आ जाता है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए का क्लेम आया, तो आपके ऑफिस से क्लेम हो गया, कोई टेंशन नहीं है,
तो आपके पास 10 लाख रुपए अवेलेबल है, लेकिन वही क्लेम अगर 6 लाख रुपए का आ गया तो क्योंकि हमने 10 लाख रुपए का प्लान लिया हुआ है तो आपकी ये जो सुपर सरप्लस प्लान है आपको 6 लाख रुपए इमीडिएट दे देगी, यानी आपके पास अभी भी 4 लाख रुपए बचा रहेगा। 6 लाख रुपए आपने ले लिया और उसी साल आपकी फैमिली मेंबर में किसी को भी दोबारा क्लेम आ जाता है 4 लाख रुपए का, क्योंकि आपके पास 4 लाख ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कंपनी कहती है चलो मैं आपको 4 लाख रुपए और दे देता हूँ। तो इस टाइप से 3 लाख का कंपनी ने क्लेम दिया और बाकी 10 लाख तक का क्लेम आप इस प्लान से ले लीजिए। प्रीमियम बहुत ही कम होता है, इसके नेक्स्ट चैप्टर पर हम देखते हैं प्रीमियम क्या है। अब हम दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ये प्लान लिया हुआ है 3 लाख और टॉपअप 10 लाख रुपीज़ और 6 लाख का क्लेम आ गया, तो 3 लाख का क्लेम आपके ऑफिस ने दिया और उसके ऊपर का क्लेम 3 लाख आपके सुपर सरप्लस ने दे दिया उस साल, फिर भी आपके पास 7 लाख रुपये अवेलेबल है। उसी साल दोबारा 5 लाख का क्लेम आ जाता है तो सुपर सरप्लस में आपके पास, क्योंकि आपने 10 लाख का लिया था, 3 लाख एक्सपेंस हो गया, 7 लाख बचा हुआ है, तो 5 लाख दोबारा आपको मिल गया। उसी साल 3 लाख का एक और क्लेम आ जाता है, तो फिर आप इस टाइप से यहाँ पर अपना क्लेम ले सकते हैं और इस प्लान को आप देख सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ, प्रीमियम वाइज प्रीमियम देख लेते हैं कितना सस्ता प्रीमियम है इसका। मान लीजिए आपकी एज 36 से 45 के बीच में है और आपने एक एडल्ट और एक चाइल्ड, मतलब अपना और अपने बच्चे का प्लान लिया हुआ है, तो 5 लाख रुपीज़ अगर 3 लाख का कंपनी ने दिया हुआ है और 5 लाख का आप टॉपअप ले रहे हैं तो आपके एज में 2220 रुपये का प्रीमियम आएगा। बिल्कुल 2220 रुपये में आपका ये प्लान हो जाएगा। अगर वही 10 लाख का लेते हैं तो 3000 रुपये का प्रीमियम आएगा, अगर वही 15 लाख का 3800। इस टाइप से आप देखें तो बहुत ही सस्ता प्लान है। अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चे का प्लान आपने लिया हुआ है, अगर आपको सोचना है कि चलो हस्बैंड वाइफ और मेरे दो बच्चे हैं, ठीक है, और उस केस में आपने ये प्लान चूज करना है, तो देखिए 36 से 45 का अगर एज में मानूं और 3 लाख के साथ 5 लाख का टॉपअप ले रहा हूँ तो बिल्कुल 4000 रुपये का आपका प्रीमियम आ रहा है। वही आप 10 लाख का ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हमने 10 लाख का ले रहे हैं तो आपके सामने प्रीमियम आ रहा है 5000 रुपये। अगर 25 लाख का ले रहे हैं आप, दो एडल्ट और दो चाइल्ड, तो कितना प्रीमियम आ रहा है, बिल्कुल ही कम प्रीमियम है। ये देखिए 9690, यानी आपको 3 लाख आपकी ऑफिस और 25 लाख यानी 28 लाख रुपीज़ तक का अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आता है तो केवल 9000 रुपये में आपका ये काम हो जाता है, तो बेहतरीन प्लान है। अगर आपकी कंपनी ने 5 लाख रुपये का दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रीमियम है जो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, और अगर आपकी कंपनी ने 10 लाख दिया है तो आपको सोचना है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी ये 3 लाख से नीचे रखती है तो आपको यहाँ पर ये टॉपअप प्लान बहुत ही इफेक्टेड होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने केवल अपने ऑफिस के प्लान पे चल रहे हैं तो इस प्लान को ज़रूर ऐड कीजिए, जिसमें आपके टैक्स बेनिफिट्स भी होंगे और आपके हेल्थ से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आने वाले हैं वहाँ पर अपने आप को सेव कर पाएंगे। देखिए अगर आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, तो उसमें अगर आपने ये प्लान लेना है तो उसका प्रीमियम आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 लाख रुपये का डिडक्टिबल, यानी 3 लाख रुपये कंपनी ने दिया है और आपको यहाँ पर 10 लाख 15 लाख का प्लान लेना है तो देख लीजिए कितना प्रीमियम आ रहा है, 1960, 2300, मतलब बिल्कुल ही सस्ता प्लान है और इससे आपके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे और आपको ज़्यादा एक्सपेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इस प्लान में हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, जो सारे प्लान में जो मैंने पहले वीडियो दिया है उसमें डिटेल्स समझाया हुआ है, इस प्लान में भी आपकी एलिजिबिलिटी वही है, 5 लाख से 25 लाख तक की पॉलिसीज है, फैमिली के लिए ले सकते हैं, इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, राइट। एज एंट्री 18 से 65 साल है, 18 साल से लेकर 65 साल की एज में आप एंट्री कर सकते हैं, कोई इफ एंड बट नहीं है। बच्चे की एज 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक को आप एक पॉलिसी में, अगर फ्लोटर प्लान लेते हैं, फैमिली का प्लान लेते हैं तो बच्चे को, अगर बच्चे की एज 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक को ऐड कर सकते हैं। पॉलिसी रिन्यूअल्स लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम आप इसको रिन्यू करा सकते हैं। पॉलिसी की कवरेज एज इट इज, जितने सारे कवरेज होते हैं आपके एज इट इज हैं, जो मैंने पिछले प्रेजेंटेशंस में ऑलरेडी दिए हुए हैं। पॉलिसी लेने के लिए कोई मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है, आपके डिक्लेरेशंस
ही पॉलिसी इश्यूज करने के लिए काफ़ी है, यानी आपने कहा सब कुछ ठीक है तो कंपनी कहती है ओके, और ये 65 ईयर्स तक आपके डिक्लेरेशंस पे ये पॉलिसी इश्यू हो जाएगा। ठीक है, डे केयर प्रोसीजर्स, जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स हैं सारे कवर हैं। कुछ कंपनी में सर्टन डे केयर प्रोसीजर्स कवर होते हैं, लेकिन आपके स्टार के सुपर सरप्लस में सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी यहाँ पर है 3 लाख और उसके ऊपर हम टॉपअप ले रहे हैं, तो यहाँ पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपकी पहली पॉलिसी से कवर होगा और उसके ऊपर जितने एक्सपेंसेस हैं सब आपके इस टॉपअप प्लान से कवर होगा। उसी तरह से प्री एंड पोस्ट दोनों यहाँ पर नहीं आते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशंस, आप जैसे कि ऑटोमेटिक रिस्टोरेशंस मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको, और दोबारा एक बार बता देता हूँ, पॉलिसी जितने का लेते हैं अलग अलग पॉलिसीज में रीस्टोर की फैसिलिटी होता है। जैसे अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी लिया, तो अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो वो 5 लाख अगर ख़त्म हो गया उसी साल, दूसरी फैमिली को ज़रूरत पड़ जाती है, तो 5 लाख दोबारा वहाँ पर रीस्टोर हो जाता है। इसी तरह से इस आपके सुपर सरप्लस में रीस्टोरेशंस अलग हैं, क्योंकि ये डिफाइंड लिमिट की पॉलिसी है जिसमें 3 लाख की आपकी कंपनी की है। अगर आपकी कंपनी ने 3 लाख की डिफाइंड लिमिट दिया हुआ है तो उसमें 50,000 रुपये की ऑटोमेटिक रीस्टोरेशंस है। कहने का मतलब, अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी लिया है और 3 लाख का डिफाइंड लिमिट, यानी 3 लाख आपकी कंपनी दे रही है, 5 लाख रुपये आपने सुपर सरप्लस से लिया, तो 5 लाख रुपये वो और ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन 50,000। यानी अगर 3 लाख आपके ऑफिस का ख़त्म हो गया और 5 लाख रुपये इस सुपर सरप्लस से भी ख़त्म हो गया, तो 5 लाख और 8 लाख ख़त्म हो गया, उसके बाद भी आपके पास 50,000 रुपये बच रहा है, तो 8,50,000 की पॉलिसी हो जाएगी उस साल के लिए। अगर आपकी डिफाइंड लिमिट 5 लाख है तो 75,000 की लिमिट है, अगर आपकी डिफाइंड लिमिट 10 लाख की है तो 1 लाख रुपये की रीस्टोरेशन फैसिलिटी सुपर सरप्लस में है, जो कोई भी सुपर सरप्लस प्लान ऐसा नहीं देता। ये सुपर सरप्लस, स्टार की सुपर सरप्लस आपको डिलीवरी एक्सपेंस भी देता है, सिजेरियन 50,000, 50,000 तक का सिजेरियन बेनिफिट देता है। तो ये आपके सुपर सरप्लस का बेनिफिट होगा आपके एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय पॉलिसी के लिए। अगर आपने आपके एम्प्लॉयर ने पॉलिसी दिया हुआ है, मेडिकल पॉलिसी दिया हुआ है, तो आप अपना सरप्लस ऐड कीजिए और सरप्लस प्लान लेकर आप अपने आप को पूरी तरीके से सेव कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक खासकर आपके बेनिफिट के लिए मैं आपके रेफरल स्कीम ऐड किया है। अगर आप चाहते हैं, आपको पॉलिसी चाहिए, आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, सो आप व्हाट्सएप कीजिए जो हमारे नंबर दिए हुए 9891423442 या 9289223442 आपके पेज पर विजिबल है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए या आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी दिया हुआ है agfd.delhi@gmail.com। जैसे आप मैसेज करेंगे आपके पास एक रेफरल कोड आ जाएगा, राइट, एक कोड आएगा, उस कोड को आप कहीं भी सेव कर लीजिए। आप उस कोड के द्वारा अपने फ्रेंड्स को, उस कोड के द्वारा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आपका फ्रेंड्स अगर उस कोड के थ्रू हमसे कोई पॉलिसी परचेज करता है तो उस कोड पे एक रेफरल बोनस आपको मिलेगा। जैसे ही चाहे वो आप परचेज कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स परचेज कर रहे हैं, उस रेफरल पॉइंट्स कोड पे आपको रेफरल पॉइंट्स मिलेंगे, जो आपको बेनिफिट होगा और ये आपका पर्सनल बेनिफिट होगा। बाकी इसके डिटेल्स रेफरल पॉइंट्स के बारे में आप मेरे मोबाइल पर या व्हाट्स ईमेल पर पिंग कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये रेफरल स्कीम आपके ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट पे काम करेगा, चाहे आपका म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपकी लाइफ इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके जनरल इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट हो, ये सारे पे काम करेगा। तो आप अपना रेफरल स्कीम, रेफरल पॉइंट्स को यूज़ कीजिए और अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट दोस्त, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।